हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं पागल मीमर्स चैनल से इंडियन मीम्स कंपाइलेशन। वाह बेटे, मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स। वाह क्या सीन है, सैवेज। ओके सैवेज वेटर। ओके तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। सैवेज वेटर भी हमें देखने को मिलेगा, बड़े अच्छे अच्छे मतलब जवाब जो देते हैं, है ना। और इसमें कई टाइप के मीम्स की कंपाइलेशन हमें देखने को मिलने वाली है। बेटे मौज कर दी वाली और वाह क्या सीन है ये वाली भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं भाई क्या सीन है। ओके, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाओ क्या सैवेज लड़की है भाई, तुम भी कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे। Hey, y'all, come look at this. बेबी छोड़ो ना, सॉरी यार। आई प्रॉमिस यार, आई रियली प्रॉमिस यार कि मैं आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा और ना किसी की हेल्प करूंगा। चलो ना बेबी, कुछ देर वॉशरूम में होके आते हैं। वैसे भी शहर में कहीं बैठने की जगह बची ही नहीं है, लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। भीड़ तो बढ़ेगी ना यहाँ पे, तुम्हारे जैसे लोग जो मूड बना के बैठे रहते हैं। प्यारी समझ गई। क्या हुआ? समझ रहे हो ना? अरे सर, सारी आइसक्रीम वहीं पे पिला देंगे क्या? उधर जाइए वॉशरूम में, पूरा ग्लेशियर रगड़ रगड़ के उधर समुंदर बना दीजिए। वेटर भी भैया इसी से ही बोलते हैं। 12 इंजर्ड, नो फेटलिटीज। इरा जो भी हो जाए हमें बच के निकलना है। आई कांट गेट कॉट। जंप। आर यू सीरियस? इनिशिएटिंग जंप। जो भी हो जाए हमें बच के निकलना है। Are you stalking me? Destiny, kismat. Do you believe in destiny? Pata nahi. Kehte hain ki do log baar baar agar takrate hain na, iska matlab unka connection kuch keh raha hai. You mean chor pun? भाई हेलो। हाँ पापा प्रणाम। अरे अच्छा 500 के प्रणाम पापा। एटीएम आया हूँ, एटीएम। अरे नहीं पापा सच्ची बोल रहा हूँ, एटीएम आया हूँ। अरे प्रीति से मिलने नहीं आया हूँ पापा। देखिए एटीएम का आवाज सुनिए, पैसा निकल रहा है। जी 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 जी। क्लाइमैक्स अभी बाकी। पापा आप भी तो कल प्रीति के मम्मी के साथ थे, मैं कुछ बोला? सच में भाई। चलो खून का प्लान बताओ। ए बी पॉजिटिव फूल ले आओ, पैसे ले जाओ। तेरा ब्लड ग्रुप क्या? बी पॉजिटिव। मेरा ए पॉजिटिव। मन की बात। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों मिक्स हुए ए बी पॉजिटिव। भाई गवारियत की पूरी हद पार। भाई एक अनपढ़ आदमी को भी पता है कि हाँ ए बी पॉजिटिव जो भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो मिक्स करके एक खून नहीं बनाते। लेकिन झारखंड के चतरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटा अपनी मौसी के साथ लव कर बैठा, यही नहीं उसने मौसी के साथ शादी भी कर ली और पिता का साड़ू बन बैठा। हरामी नहीं, बहुत बड़े हरामी हैं।
मौत को पाल रहा था। Hey, y'all, come look at this. Hi guys, welcome back to my blog. और आज मैं आया हूँ लखनऊ घूमने अपने दोस्त के साथ। दोस्तों, लाइफ में रुपया पैसा धन दौलत कुछ काम में नहीं आता है, सिर्फ सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। ये मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कोई लड़की आ जाए, कोई भी आ जाए भोसड़ी का, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैडम, आप ऐसा सीधा जाइए, एक काम करिए मैडम, आप आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे आइए मैडम। अरे भाई, मेरा क्यों हो गया? अरे भाग भाग भाग, अरे यार निकल बेटी। मतलब लड़की आई नहीं कि भैया निकल निकल वहां से, दोस्त की वैल्यू खत्म। Hey, y'all, come look at this. What the hell is this? ये कितना गंदा है। प्यारी समझ गई, और इतना बड़ा भी है। सच्ची में ये बड़ा होता है इतना? समझ रहे हो ना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी तू कितनों का ले चुकी है कि तुझे नहीं पता कि इतना बड़ा हो सकता है? ओके, लेट मी टेल यू गाइस। अच्छा, बाय द वे, तुम लोगों को लग रहा होगा कि इससे तुम काटने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू ब्लो दिस। भाई इतना भी वोक नहीं बनना है, सीरियसली। Hey, y'all, come look at this. ऐसे दिखा ना, कैसे दिखता है? देखने में तो सही लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझे इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट करना चाहिए। तुझे तो ना साला सारे मिडल एज ही पसंद आते हैं। मिडल एज्ड एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं उनके साथ कुछ करने का मजा ही अलग होता है। कभी किसी मिडल एज्ड एक्सपीरियंस बंदे को डेट करके देख, चरम सुख मिल जाएगा। वेल डन, वेल वेल डन। भाई ये एडवाइस ना कभी किसी से नहीं लेना, कभी किसी से। और कोई इस टाइप की एडवाइस देना, उसके मुंह पे खींच के दो चमाट मारना, खींच के सच में दो चमाट मारना। क्योंकि ऐसे ठरकी और वाहियात एडवाइस जो भी देगा ना, वो समझ लो क्लियरली तुम्हारा भला तो नहीं चाहता है, है ना? तुम्हारा भला तो बिल्कुल नहीं चाहता है। व्हाट यू मीन बाय एक्सपीरियंस्ड है? ये ह्यूमन सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी होती है, सभी को अपने आप पता चल जाता है ना क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसी के लिए एजुकेशन भी बना है। तो पहली बात तो एक्सपीरियंस, व्हाई हाथ धो गई, मतलब ये एक छोड़ के, ठीक है, और इससे पहले वाला वो बर्थडे वाला, वो बर्थडे केक था क्या था वो? किसी के भी प्राइवेट पार्ट का ऐसा, मतलब ये केक सजा के उसके बाद दे दी है, उसके बाद कह रही है इसे काटना नहीं है, इसे ब्लो करना है। What the hell is this यार, मतलब ये क्या कल्चर है, क्या ये क्या ट्रेंड है, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आया। इस टाइप के बहुत सारे आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है, भाई प्लीज़ ऐसे फॉलो मत करना, इस टाइप के किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।